आनंद। मैं रितिका राय अपने विद्यालय शिक्षा निकेतन हाई स्कूल की ओर से आप सभी के सामने प्रस्तुत। आज मैं आप सबको वनों की कटाई के प्रभाव के बारे में बताऊंगा। वन एक राष्ट्रीय संसाधन है, वनों के बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु फिर भी आज के युग में हम वनों को नष्ट करने जा रहे हैं, जो हमारे लिए हानिकारक होता जा रहा है। इस दुष्प्रभाव का कारण हम स्वयं, हम ये भूल चुके हैं कि मां वसुंधरा की ये दशा हमने ही की। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या हमने अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई नहीं की, जंगली जानवरों के प्राकृतिक आवासों को नष्ट नहीं किया, उपजाऊ जमीन पर कारखाने नहीं खोले? ये दुखद परिस्थिति जहाँ एक ओर वातावरण गर्म होने पर हम पर्यावरण को कोसते हैं, वहीं दूसरी ओर हम ये भूल जाते हैं कि वृक्षों की अंधाधुंध कटाई हम ही देखी है। इस दुष्प्रभाव के कारण बहुत सारे पेड़ नष्ट होने जा रहे हैं। इन सब के परिणाम स्वरूप अक्सर विलोपन, जलवायु परिवर्तन, मरुस्थलीकरण जैसी विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी संस्कृति में सदैव ही वृक्षों की पूजा की गई है। माता भूमि पुत्रोह पितोभया, अर्थात ये धरती हमारी माता और हम इनके पुत्र हैं। हमें ही इस विनाश को रोकना होगा, हमें ही वनों की कटाई को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने। वनों की कटाई को रोकने के लिए खाली पड़ी जमीन पर अधिक से अधिक पौधे लगाने। माँ अग्नि ने हमें जीवन दिया और हमने अपनी जननी को भी दुख दिया। आइए हम सब संकल्प लेते हैं कि इस पृथ्वी को और नष्ट होने से बचाएं।